हम में से प्रत्येक के अंदर अर्थ के लिए गहरी लालसा है। ये कुछ ऐसा है जिसकी बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पाते। दरअसल क्रिसमस की पूरी बात के पीछे एक चाहत छिपी है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने कई वर्षों तक अनुभव किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहां देखा या कितनी मेहनत से देखा, ये कभी संतुष्ट नहीं करता। ये एक ऐसी चाहत है जिसे पुराने नियम के बाइबल के एक लेखक मूसा ने भी अनुभव किया था जब उसने ये लिखा निर्गमन 33 अध्याय 18 से 20 वचन में। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखा। तो प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जिसे चाहूंगा उस पर अपना प्रेम और दया दिखाऊंगा, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण भलाई तेरे सामने प्रकट करूंगा और अपना नाम यहोवा करूंगा कि तू सुन सके। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा ईश्वर को चाहता था, वो ईश्वर को देखना, ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को जानना चाहता था, परंतु परमेश्वर जानता था कि कोई भी, यहां तक कि उसका सेवक मूसा भी, उसका चेहरा देखने से नहीं बचेगा। तो परमेश्वर ने उसे कुछ कम दिखाया, उसका प्यार, उसकी दया, उसकी संपूर्ण अच्छाई, लेकिन उसका चेहरा नहीं। परमेश्वर ने अपना नाम भी बोला, यहोवा। ये एक ऐसा नाम है जिसे इसराइलियों ने बोलने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि ये इतना पवित्र था कि उसका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये वही था जब तक ये पहला क्रिसमस नहीं था, जब तक परमेश्वर हमारे बीच में चलने वाला मनुष्य नहीं बना। जैसा कि यीशु ने अपने बारे में कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे भेजने वाले मेरे पिता को देखा है। तो अगर आपके अंदर भी वो चाहत है, एक ऐसी चाहत जो जीवन भर अधूरी रह गई है, तो इसे जान लीजिए, उत्तर स्वयं ईश्वर है। और अब जब आप उसका चेहरा देख सकते हैं यीशु में, ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।